स्वामी प्रसाद मौर्य की रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी के बाद से सियासी संग्राम जारी है और अब इसी में एक और नई कड़ी भी जुड़ गई है। आज लखनऊ स्थित सपा कार्यालय के बाहर एक नई होर्डिंग लगी हुई दिखाई दी और इस पर लिखा है, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। सपा कार्यालय के बाहर लगे इस पोस्टर पर डॉक्टर शूद्र उत्तम प्रकाश सिंह पटेल का नाम लिखा है, जो अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय के मुंबई राष्ट्रीय महासचिव बताए जा रहे हैं। देखिए आप, यही होर्डिंग है, समाजवादी पार्टी के कार्यालय के ठीक बाहर लगी हुई है और इस पर जो लिखा है उसे आप बहुत साफ पढ़ सकते हैं। लिखा है 6743 जातियां शूद्र समाज से। फिर बोल्ड अक्षरों में, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। और फिर नीचे डॉक्टर शूद्र उत्तम प्रकाश सिंह पटेल। गर्व से कहो हम शूद्र हैं। अखिलेश यादव के शूद्र वाले बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति शूद्र पर ही केंद्रित हो गई है और इसकी बानगी समाजवादी पार्टी के बाहर लगा ये पोस्टर है। ये पोस्टर आज सुबह से चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें लिखा है, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। पोस्टर लगाने वाले भी, इसमें इनकी फोटो भी शामिल है, राष्ट्रीय महासचिव हैं अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा मुंबई महाराष्ट्र के डॉक्टर शूद्र उत्तम प्रकाश सिंह पटेल। वैसे इनका नाम डॉक्टर उत्तम प्रकाश सिंह पटेल है, लेकिन जब शूद्र की राजनीति चरम पर है, चर्चा में है, इसलिए इन्होंने अपने नाम के आगे डॉक्टर शूद्र उत्तम प्रकाश सिंह लगाया है। ऊपर लिखा है, जय शूद्र समाज जय संविधान। 6743 जातियां शूद्र समाज। 6743 जातियां, वो जातियां हैं जिनमें काशीराम ने जागरूकता फैलाई थी और उनको एक करने का काम किया था। ये कहा जाता है कि काशीराम ने जो 6743 यानी देश की 85% पॉपुलेशन इन्हीं जातियों में आती है और ये पॉलिटिक्स का बड़ा हिस्सा है। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर 3 पोस्टर लगे थे, जिसमें से एक नीतीश कुमार और अखिलेश यादव से संबंधित था, दूसरा जब ओम प्रकाश राजभर से मनमुटाव हुआ तब उनके कार्यालय में प्रवेश करने के प्रतिबंध से संबंधित पोस्टर था, और तीसरा पोस्टर ये है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। ये पोस्टर की राजनीति समाजवादी पार्टी की पूरे इस शूद्र अभियान का एक हिस्सा बन गई है और ये पोस्टर उसमें बड़ी भूमिका निभा रहा है। देखा जा रहा है कि इस पूरे शूद्र वाले बयान से और इस पोस्टर से राजनीति में क्या असर पड़ेगा। कैमरा सहयोगी राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, बीपी गंगा, लखनऊ। और समाजवादी पार्टी पर सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि सत्ता में रहने पर सपा को इनकी याद नहीं आती। सपा वाले आज बैनर पोस्टर लगा रहे हैं, लेकिन पिछड़ी जो जातियां हैं उनमें 96 जातियां किसी को याद नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी के विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली हालत है। सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर जी हैं, क्या कहेंगे सर इस पोस्टर? विनाश काले विपरीत बुद्धि। देखिए, जब सत्ता में रहते हैं तब ना दलितों का, ना पिछड़ों का, ना सामान्य वर्ग का, ना अल्पसंख्यक का, तब इनको अहित नहीं दिखाई देता है, तब इनको सम्मान नहीं दिखाई देता है। सत्ता में रहते हैं तो पिछड़ों को 27% आरक्षण 1993 से मिल रहा है, 1993 से मिल रहा है, 12 जातियां लाभ उठा रही हैं। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात हाई कोर्ट ने 4 सितंबर 2013 को उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि 12 जातियां लाभ उठा रही हैं, 96 जातियां पिछड़ों में उत्तर प्रदेश में हैं, तो जिन जातियों को नहीं मिल रहा है उनको भी आरक्षण का लाभ बांट करके दिया जाए। तब समाजवादी पार्टी को नहीं समझ में आया कि हम इसको बांट के सबको हिस्सा दें। समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी तो सत्ता के मद में दलितों के साथ क्या किया, प्रमोशन में आरक्षण खत्म कर दिया। जो सिपाही से प्रमोट करके दरोगा हो गया था, सीओ हो गया था, लेखपाल से, कानूनगो से प्रमोट होकर के तहसीलदार एसडीएम हो गया था, तो अब ऐसे लोग फिर डिमोशन हो गया, लाखों लोग नौकरी छोड़ के चले गए। एक तरफ आप अनुसूचित जनजाति के पेट पे छुरा मार रहे हो, उनके लात मार दिया आपने, और किस मुंह से उनसे वोट मांगने जा रहे हो। आज 12 जातियां हाईकोर्ट ने कह रहा है ना, 12 जातियों के अलावा राजभर है, चौहान है, बिंद है, केवट है, मल्ला है, माझी है, मझवार है, तुरहा है, अर्कबंसी है, बंजारा है, बहलिया है, खंगार है, बारी है, बिहार है, नाई है, गोण है, लोहार है, कुम्हार है, कश्यप है, इसके पक्ष में आपने क्यों नहीं याद किया?
आज आपको जब शूद्र की बात आप करते हो तो जो शूद्र में जो मनुस्मृति की व्यवस्था थी उस हिसाब से 6743 जातियां पूरे देश में हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में पिछड़ों में 96 जातियां हैं। इधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। यूपी के माहौल को विषैला बनाने की कोशिश में है समाजवादी पार्टी, ये केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। इन मुद्दों को लेकर सपा के लोग कभी सफल नहीं होंगे, यूपी की जनता ने सपा को नकार दिया है, बयान केशव प्रसाद मौर्य का। कहते हैं सपा को सामाजिक माहौल खराब करने की नौटंकी से राजनीतिक फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। बयान है वो, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान नहीं है, यह बयान श्री अखिलेश यादव जी का है, ये समाजवादी पार्टी के कुनबे का है, और उत्तर प्रदेश के अच्छे माहौल को कैसे विषैला बनाया जाए इस प्रकार की असफल कोशिश है, लेकिन उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। वह सोचते हैं कि इससे वह पिछड़ों को या दलितों को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, तो जिन्होंने सत्ता में रहते हुए लगातार पिछड़ों दलितों और प्रदेश का शोषण किया, बर्बादी करने का काम किया, उनका भविष्य अब उत्तर प्रदेश में तो है ही नहीं, यह मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं और यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अगर उनके पास जनहित से जुड़े हुए कोई मुद्दे हों उनको लेकर के आवें, जो मुद्दे न भाजपा से संबंधित हैं, न सपा से संबंधित हैं और न राजनीति से संबंधित हैं, उन मुद्दों को लेकर के आना और समाज का माहौल खराब करना ये गैरकानूनी आचरण है, इसे नहीं करना चाहिए। ट्वीट आप देखिए इसी बीच में उन्हीं का, सपा को सामाजिक माहौल खराब करने की नौटंकी से राजनीतिक फायदा कम नुकसान ज्यादा होगा, सपा बनेगी समाप्तवादी पार्टी। वो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि इस प्रकार का जो आचरण है समाजवादी पार्टी का उन्हें राजनीतिक लाभ कम देगा, नुकसान ज्यादा करेगा। इधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, ट्वीट का कंटेंट हम रख रहे हैं, माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा संसद के बजट सत्र के पहले दिन आज अभिभाषण में केंद्र की ओर से कही गई बातें तथा किए गए दावे देश की 100 करोड़ से ज्यादा महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी आदि से त्रस्त जनता की सांत्वना और शांति के लिए बहुत ही कम, लोग सुखी होंगे तभी देश बढ़ेगा, साथ ही सरकार की आंतरिक और आर्थिक नीति से देश में अमन चैन, सुख समृद्धि, विकास और खुशहाली के उस माहौल का अभाव जिससे अपार गरीबी और बेरोजगारी दूर होकर यहां लोगों का जीवन थोड़ा बेहतर हो, जनता की जेब खाली किंतु कुछ लोगों के हाथों में देश की पूंजी है, यह कहती है बीएसपी सुप्रीमो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।